नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने एक सवाल पूछा है कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं से, उनके आलाकमान से और कांग्रेस पार्टी से कि क्या अगर कोई नेता अगर गुस्सा ना करे, कोई मंत्री अगर गुस्सा ना करे तो क्या वो फिर जलालत पे उतर जाए क्या? उनके कहने का मतलब क्या है, उन्होंने क्यों ऐसा कांग्रेस को कहा, अब ये आपके मन में सवाल होगा। आइए वही मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। कल उन्होंने कैप्टन अमरिंदर ने साफ शब्दों में कहा कि राहुल और प्रियंका अनुभवहीन है। इसका मतलब ये कि उनके पास तजुर्बा नहीं है, अनुभव नहीं है, उनके पास कांग्रेस पार्टी को चलाने के साथ साथ राज्य में सरकार कैसे चलेगी ये तमाम चीज़ों का उन्हें अनुभव नहीं है। जो डिसीजन वो ले रहे हैं, जो फैसले ले रहे हैं वो गलत ले रहे हैं। उसके बाद कांग्रेस ने भड़कना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने कहा कि जो जिस आक्रामक मूड में कैप्टन अमरिंदर हैं वो गुस्से में हैं अभी, यही वजह है कि बेतु के बयान दे रहे हैं, यही वजह है कि कैप्टन ने अब तस्वीरें साफ की हैं। उन्होंने फिर आलाकमान से पूछा है कि अगर गुस्सा ना करे आदमी तो क्या जलालत पे उतर आएगा, यानी कि गुस्सा उन कैप्टन अमरिंदर के कहने का मतलब ये कि गुस्सा भी कई वक्त में ज़रूरी है, और ऐसे हालात में जो अभी कैप्टन के साथ हो रहा है, जो उनके साथ हुआ है, इसमें कोई शक नहीं कि नाराज़गी है उनके मन में, गुस्सा है उनके मन में, और वो इसलिए क्योंकि जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया तो साफ तस्वीरें साफ हो गई कि जिस तरह से वो कह रहे थे कि वो अपमानी महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब वो नाराज़ हैं नवजोत सिंह सिद्धू से, नाराज़ हैं आलाकमान से, अब वो नाराज़ हैं कांग्रेस पार्टी से। अब देखते हैं कि आगे होता क्या है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें स्पेन आई न्यूज़। नमस्कार।